Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Hello? Hello? Kapil! Arre! What a patriotic day! Anna Hazare sahab aaye hue hain. Sir, namaskar. Myself, Dr. Mashur Gulati. No. MKNJ. MKNJ matlab? Maine kaha ji namaste dikhne da, kar bhi raha hu, fir bhi pooch rahe ho yaar. Okay, Anna ji. Aap ahinsa ke pujari hain. Baithi, doctor sahab, idhar aaiye. Aaj vaise nahi bitha rahe? Nahi, nahi. Kyun? अन्ना के सामने बदतमीजी नहीं करनी, बैठिए। इतनी इज्जत आज तक इस आदमी ने मुझे नहीं दी। आपका रौब तो है, मानना पड़ेगा। आप अहिंसा के पुजारी हैं एंड आई मस्ट टेल यू अन्ना साहब, मैं भी बहुत अहिंसा को मानता हूँ, पर मेरे को लोग मारते हैं, मैं उनके ऊपर हाथ नहीं उठाता क्योंकि मेरा हाथ पहले मरोड़ देते हैं, मेरा उठता ही नहीं। एनीवे अन्ना जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपके जैसे सच्चा ईमानदार इंसान नहीं देखा कभी जी। और मैंने आपके जैसा झूठा 420 नहीं देखा कभी। आप अन्ना के फैन कैसे हो सकते हैं? एक भी आदत है आप में अन्ना जैसी? अरे क्या बात कर रहे हो यार। और मैंने ना अन्ना की तरह समाज सेवा करने का ठान लिया है, पता है आपको? मैंने ना गरीबों में राशन बांटा, आपको पता है? और बाद में अन्ना दुकानदार ने पीटा इनको क्योंकि उसका राशन बिना पूछे बांट रहे थे ये। मुझे नहीं पता था ना कि दान देने के लिए पूछने की जरूरत होती है। मैंने तो ये सुना था कि राइट हैंड से दान दो तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए, तो मैंने ये बाएं हाथ जेब में डाल लिया, पर दुकानदार ने देख लिया, फिर दाएं बाएं दोनों से उसने मुझे पीटा। खैर छोड़ो इस बात को। आपको पता है कि एक बार मैंने 4 लोगों के साथ मिलके एक बुजुर्ग आदमी को सड़क पार कराई है। आप अकेले भी करा सकते थे, 4 लोगों की क्या जरूरत थी? वो मान नहीं रहा था ना सड़क पार करने को, तो जबरदस्ती की मैंने। मैंने कहा इसकी सुनेंगे तो हम तो कभी समाज सेवा कर ही नहीं पाएंगे ना। आपको इस बात के लिए मार पड़ सकती है डॉक्टर साहब। अहिंसा के पुजारी यहाँ बैठे हुए हैं और तुम हिंसा की बात कर रहे हो। अच्छा अन्ना जी, एक बात बताइए, आप अनशन पे बैठते हैं, धरने पे बैठते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहता, मेरे को उठा के बाहर फेंक देते हैं, ऐसा क्यों? तुमने कब दिया धरना? तू झूठ बोल रहे आप तो। मैंने धरना दिया ना पब्लिक गार्डन में, 200 दिन धरना दिया मैंने। अन्ना, इसने पता क्या किया? ये पब्लिक गार्डन में बैठ गए, बैठे बैठे इन्होंने वहां पे जाके कमरा बना लिया एक। उसको धरना थोड़ी, उसको तो कब्जा बोलते हैं। कमरा नहीं बनाया था, 2 BHK बनाया था वहां पे। अन्ना, ये आदमी बहुत झूठा है, ये नकली डॉक्टर है, इसके पास ये डिग्री भी फर्जी है। फर्जी? चुप कर रहा है। फर्जी डिग्री कैसी है? मैंने 10,000 रुपए में खरीदी है ये डिग्री। गेट आउट। पाजी आपको पता, आप सबको पता ही होगा पर मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि अन्ना के ऊपर एक फिल्म बन रही है जिसका नाम भी अन्ना है। अन्ना, देश सेवा करते करते आपने तो, खैर आप तो दिल से कर रहे हैं, पर आपने कभी सोचा था आपके ऊपर कभी कोई फिल्म बनाएगा कोई डायरेक्टर? एक फकीर आदमी उस पर ऐसे फिल्म बनेगी, ये मुझे सपना में भी कभी नहीं लगा था। लेकिन जो काम खड़ा किया है जी, वो पूरे देश में फैल गया था जी। और हमारे जो रविंद्र जैन के भाई है मनेंद्र जैन जी, उनको लगा कि ये काम समाज के सामने जाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। वो मुझे बताने लगे कि ऐसे ऐसे फिल्म बनानी है जी, और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं जी, इन्होंने इतना मेहनत किया। मैं फौज में था, बर्फ में रहा, 7 साल बर्फ में रहा जी, तो मैंने 6 डिग्री माइनस हिमालय में उधर जाकर इन्होंने शूटिंग किया। तो ऐसे कई जगह पर जो काम हुआ वो जनता देखने से उनको जरूर इसमें प्रेरणा मिलेगी, नव युवकों को प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल। आप फिल्में वैसे देखते हैं कभी अन्ना? अभी मैं फिल्म नहीं देखता। पहले देखते पहले देखता था। मेरी उम्र थी 13-14 साल की,
तब मैं फिल्म देखता था अच्छा। और भाई ऐसा देखता था कि नया फिल्म का फर्स्ट शो। अरे क्या बात है। अगर फर्स्ट शो चला गया तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आता फिर। क्या बात है, सबसे पहले देखनी है उस टाइम पर। अन्ना मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊं, आप पहचानेंगे कौन है ये। अन्ना टीवी में इनको पहचानते हैं आप? हाँ, दिलीप कुमार जी है। अरे क्या बात है। और दूसरी एक और दिखाइए अन्ना, इनको पहचानते हैं आप? ये उस टाइम पर इतना नहीं थे। इनका नाम पता है आपको? हाँ, नाम तो अभी भूल गया है। जानता हूँ अन्ना, ये शाहरुख खान है। शाहरुख खान है अन्ना, इनको पहचान रहे आप? वैजयंतमाला है ये, अपना वो दिलीप कुमार और वैजयंतमाला साथ में थे ना फिल्म जी, में जी जी। नया दौर में कौन थे? नया दौर। क्या बात है, नया दौर में जी। और दिखाइए अन्ना, इनको जानते आप? अन्ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा? मतलब अच्छे तरीके में अच्छी लगती है, मतलब बहुत अच्छा काम करती हैं ये। अच्छा। अन्ना ये दीपिका पादुकोण है? दीपिका बहुत प्यारी है ना। अच्छा। ओके पर अन्ना उस समय आपको कौन सी हीरोइन ज्यादा मतलब अच्छी लगती थी आपको, खूबसूरत? नहीं उसमें क्या है, जैसे हीरोइन है तो मैं उनका काम पर देखता था, उनके हाव भाव, उनके एक्टिंग, वो मुझे जो पसंद आते थे जी। देखने के लिए अच्छे लगते, ये मुझे अच्छे नहीं, उनका काम। कप्पू, और कप्पू, हे कप्पू, क्या है? वो किशन जी आने वाले थे, आए क्या? असं कसा? नाही किती वेळ लावला तुम्ही माझ्या दारावर यायला? काय बोलली नानी? कितना वक्त लगा दिया मेरे चौकट पे आने के लिए? नानी ये अन्ना हजारे जी हैं। दुनिया के लिए? मैं तो उनको तब से जानती हूँ जब ये किशन बाबूराव हजारे हुआ करते थे, है ना? मुंबई में इनकी फूलों की दुकान थी। अच्छा? हाँ, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आपको याद है मैं रोज आपके दुकान से एक फूल खरीदा करती थी? अभी तो 60 साल बीत गए, अभी कहाँ याद करोगे। रोज इनके दुकान से एक एक फूल इकट्ठा किया करती थी मैं, फिर उसका वरमाला बनाती थी, फिर एक दिन गाय आकर पूरा पूरा वरमाला खा गई। मेरा सपना धरा का धरा रह गया। लेकिन सच कहूं मुझे उस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अगर आपकी शादी होती ना, वो लड़की बहुत खुश नसीब होती, क्योंकि उसको खाना कम बनाना पड़ता था ना, क्योंकि हर वक्त आप तो अनशन पे बैठे रहते है ना। नानी इनको घर नहीं बसाना था ना, इनको देश बसाना था, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। लेकिन मेरे अरमान तो अधूरे रह गए ना। एनीवे, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं आपकी नहीं हो सकी, लेकिन इस बात की खुशी है कि आप देश के हो गए। इसलिए तो मैं भगवान के आभार मानता हूँ कि मैं पूरा देश का बन गया। सच 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 सच, इसलिए मेरे लिए तो आपके चरणों की धूली काफी है। नानी एक मिनट, वो स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े, उनके चरणों में धूल है ही नहीं, उनके वो साफ सुथरे रहते हैं, साफ सुथरे। चलो माफी मांगो अन्ना से। अन्ना जी माफ करना। अच्छा अन्ना, हमने सुना है कहीं पे आपके बारे में पढ़ रहे थे, तो ऐसे सुना था कि फौज में जब आप भर्ती होने गए तो जो मापदंड होते हैं प्रॉपर की, हाँ फिजिकल फिटनेस और ये सब चीज़ें, तो एक दो चीज़ों में शायद आप पास नहीं हुए थे, तो उसके बावजूद भी उन्होंने आपको फौज में भर्ती किया, तो उसके पीछे क्या कारण था ना? 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया जी, हमारे बहुत जवान मारे गए। अच्छा। और फिर देश को लगा कि जवानों की जरूरत है,
मेरी ऊंचाई नहीं थी. अच्छा. छाती चौड़ी नहीं थी जी, लेकिन इमरजेंसी थी, देश को युवकों की जरूरत थी. अच्छा. इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया. मैं 14 लोगों का कमांडर था जाते समय. अच्छा. तो हम सब लोग 14 लोग थे. उन्होंने सोचा कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक देश की सेवा, समाज की सेवा करनी, ये तय किया. और मेरी छाती चौड़ाई ये कुछ नहीं थी, फिर भी देश की सेवा करते रहे. और 15 साल के बाद मैं पेंशन पर आ गया. और ये सच्ची बात है, ये हमारे जवान जो हैं, जब आप फौज में भर्ती होते हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, और ट्रेनिंग के बाद जब उनको अपॉइंट किया जाता है, जब उनकी पोस्टिंग होती है, और मेरा सल्यूट करने को दिल करता है हमारे जवानों को. और हमारी पूरी टीम की तरफ से हमारी कभी कोशिश रहेगी कि हम अपने देश के जवानों के लिए एक ज़रूर एक अच्छा सा शो ऑर्गेनाइज करें. और बहुत दुख होता है जब हमें कभी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि सरहद पे या कहीं पे भी हमारे देश के जो जवान हैं उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी. हम उनके परिवारों के साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा ना, ऐसे ही मन में सवाल आया, जैसे मेरे तीन मामा हैं, तीनों ही आर्मी में थे, तो वो कहते थे कभी कभी हमें ना बर्फ में पीनी पड़ जाती है, मतलब ऐसे ही. अन्ना आपने कभी नहीं ट्राई की? मैं शुरू शुरू में जब बर्फ में मैं गया जी, तो दो प्याक रम मैं पीता था शुरू में. लेकिन जब स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ी जी, जीवन समझ में आ गया कि सिर्फ खाना पीना मरना इसके लिए जीवन नहीं. फ्री रम मिलती थी, फ्री जी, लेकिन कभी मैं हाथ नहीं लगाया उसको. 1975 में पेंशन आ गया. अभी 38 साल बीत गए, हमें दो बोतल रम मिलती हर जवानों के लिए. अच्छा. लेकिन मैं कभी रम लेने के लिए गया नहीं. आज मुझे दुख होता है, ये दोनों देशों को अभी फिर से लड़ाई करना ठीक नहीं है. दोनों की आर्थिक स्थिति फिर बहुत बिकट है. एक लड़ाई में कितना खर्चा आ जाता है जी, देश इतनी जाने चली जाती जाता है. ये आज वो लड़ाई होना नहीं चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ. लेकिन लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो 79 ईयर मेरा एज हो गया, और जरूरत पड़ी तो फिर मैं सीमा पर जाने के लिए तैयार. क्या बात है. और कपू शर्मा, ओहो हो, वाह 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 वाह, हमारे तो भाग्य ही खुल गया अन्ना, आप हमारे मोहल्ले में आए. देखिए मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ. अन्ना चाय पीते नहीं है, उनको जूस पिलाओ बेवकूफ आदमी. जूस तो इनको बड़े बड़े लीटर नहीं पिला सके, मुझसे क्या पियेंगे ये. देखा बाजी, आज पहली बार इसने फंबल नहीं मारा आके. पूरी लाइनें कड़क करके बोलनी है. ये मतलब ये अन्ना के पास आने का जादू है, ये आदमी में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है. और मैंने इनसे ही ये सारी चीजें सीखी हैं. इनसे तो मैंने सादा जीवन जीने का, उबलते हुए विचारों को. ओए, उबलते विचार नहीं, उच्च विचार. हाँ तो अब मेरा काम चाहेगा, मेरे विचार तो उबलेंगे ही ना. अन्ना वैसे मैं भी बड़ा सिंपल सा हूँ, लेकिन आपको जब देखता हूँ ना तो मेरे में अंदर एक अजीब किस्म का कॉन्फिडेंस आ जाता है. लेकिन जब मैं बड़ी बड़ी जगह पे जाता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो जाता है. तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप 5-स्टार होटल में गए हो और छुरी और कांटा पकड़ते पकड़ते आपको भी कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐसे हो गया हो? मैं इतना टूर करता हूँ जी, लेकिन होटल में कभी जाता नहीं. वाह वाह, एक बात है जी, गया तो उसको याद नहीं रखता, भूल जाता. याद रखना ये घातक होता है जी. जी, इसलिए मैं याद नहीं रखता. इसको भी अन्ना, इसके माता पिता ने याद नहीं रखा, भूल गए वो. अच्छा अन्ना, मुझे एक एक बात प्लीज बता दीजिए कि मैं एक आम आदमी चाय बेचने वाला हूँ, मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ अपनी लाइफ में? अरे हमारा देश का उदाहरण है ना जी, चाय बेचने वाला आदमी भी पंतप्रधान बन सकता है ना. क्या बात है. अन्ना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ूं. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच.
कपू भैया क्या है? अब मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों, क्या बात हो गई? अरे वहाँ मुझे रोज मुर्गा बना देते, बड़े को क्या मैं मुर्गा बनूंगा? नजारे जी, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर आपसे मुझे क्वेश्चन पूछना था। बैग उतार दे बेटा, इतना भारी बैग क्यों लगा तुम्हें? भारी नहीं है। हाँ। पर कि आपके टाइम पे भी स्कूल में पनिशमेंट मिलता था, मतलब? जी हाँ, हमारे टाइम पनिशमेंट मिलता, छड़ी थी, छड़ी। गलती किया तो ऐसा हाथ करना, और टीचर मारता था छड़ी से। तो हमारे मराठी में कहावत थी, छड़ी लागे छम छम, विद्या ये घम घम, ऐसे कहावत थी। लेकिन अन्ना आजकल बंद हो गया स्कूलों में ना? अभी नहीं, आजकल नहीं मारते, अभी मारने के लिए परमिशन नहीं जी, इसलिए तो शिक्षा का दर्जा डाउन हो गया। अन्ना ये मेरे को बड़े सवाल इसने मुझे बोला था कि मुझे, मैं अन्ना से पूछना चाहता हूँ। जैसे आजकल ना बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, तो अब ये बच्चों की तरफ से ये सवाल था कि आप बचपन में क्या खेल खेला करते थे? हम तो गांव में लगोरी थी, लगोरी। अच्छा। ये पत्थर एक के ऊपर एक रखना। हाँ। और उसको तोड़ना। हाँ। फिर इटी डांडू, वो डंडा। हाँ। और डंडे गिल्ली के साथ, गिल्ली डंडा घुमाना। फिर खो खो, हाँ, कबड्डी जी, ऐसे खेल हम लोग खेलते थे, तो शरीर भी फिट रहता था। हाँ, आप मोबाइल वगैरह सब सीखना है, लेकिन साथ साथ चारित्र को संभालना, आचार शुद्ध रखना, विचार शुद्ध रखना, जीवन निष्कलंक रखना, दाग नहीं लगना जीवन में, बेदाग जीवन है, तो आप कल के महापुरुष बन जाएंगे। अच्छा बेटा, समझ में आई अन्ना की बात है ना? चलो पांव छुओ, आशीर्वाद लो, चलो। अन्ना यहाँ पे ना आपके चाहने वाले हैं, सब आपसे प्रेम करते हैं यहाँ पे, क्या पूरे देश में, पूरी दुनिया में है, लेकिन आपसे ये बातें करना चाहते हैं। तो जो भी अन्ना जी से बात करना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। हेलो सिद्धू सर। हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो अन्ना जी। सर, मुझे आपसे पूछना है कि टेक्नोलॉजी में आजकल इतनी एडवांसमेंट हो गई है, तो पॉलिटिशियन से लेके एक्टर से लेके आम आदमी तक सब ट्विटर, फेसबुक सब जगह है, आप क्यों नहीं है ट्विटर पर या फेसबुक पर? आपको पता है वो जो आजकल फेसबुक आता है और ट्विटर पे आता है, हालांकि पंगे बड़े हैं ट्विटर के। नहीं, मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सका, लेकिन विज्ञान ये बढ़ते जा रहा है, दुनिया में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है, टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप हो गया है। एक तरफ विज्ञान ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया, लेकिन दूसरी तरफ अध्यात्म ने अंतरिक्ष अपने अंदर भी प्रवेश करना जरूरी है। अध्यात्म ने हर एक इंसान के भीतर प्रवेश करना, अगर वो प्रवेश नहीं किया तो विज्ञान इंसान को विकास की भूलताप देकर विनाश के तरफ लेकर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर बात ट्विटर पे करना जरूरी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त जी? भाई साहब कपिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, मैं बोकारो झारखंड से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं विधायक हूँ बोकारो में, एमएलए हूँ मैं। अच्छा, एमएलए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अन्ना को मेरा प्रणाम है, और अभी आपने कहा अन्ना कि राजनीति से मैं दूर रहना चाहता हूँ, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरे जमानत जब्त हो जाएंगे। आपको या आपके जैसे विचार के लोगों को, अच्छे लोगों को राजनीति में आनी चाहिए क्या? यह समय का की मांग नहीं है कि नौजवानों का आप आह्वान करें कि देश हित में भ्रष्टाचार रोकने के लिए, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए अच्छे नौजवान, राष्ट्र हित का सोच रखने वाले नौजवान आगे आए भारत माता की सेवा करने के लिए? नहीं, ये जरूरी है, मेरी ऐसी धारणा है, नवयुवकों ने राजनीति में जाना जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। क्या होता है राजनीति में, कई लोग जाते हैं
सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, इसके पीछे घूम रहे हैं। इससे देश के लिए उज्जवल भविष्य नहीं है। अभी तो हम देख रहे हैं जिसकी उम्र 70 साल 80 साल हो गई वो भी इलेक्शन से रुकता नहीं जी। इंसान जब मर जाता है तो चार लोग कंधे पर ले जाते हैं। आज राजनीति में बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए, इतने चेयर से सेवा भाव नहीं रहा, वो बलिदान की याद नहीं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी की और अंग्रेजों को कह रहे थे इस जन्म के क्या, अगले जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी है। किस लिए? हमारी आज़ादी के लिए। उनको याद रखना। थैंक यू अन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।